हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में अपने यूजीसी नेट के थ्रू की तरफ से जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई नेट की परीक्षा कराता है उसकी पूरी जानकारी बताने जा रही हूँ, जो 8 जुलाई 2018 को कंडक्ट होने जा रहा है एग्ज़ाम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स, अब ये एग्ज़ाम जैसा कि पहले विगत वर्षों में ईयर में 2 टाइम्स होता था, अब इस बार सीबीएसई ने अनाउंस किया है इसको ओनली 1 टाइम कंडक्ट करने का, 1 टाइम इन अ ईयर। सो इन दैट रेफरेंस अभी एग्ज़ाम 8 जुलाई 2018 को होगा और इसका नोटिफिकेशन सीबीएसई ने कर दिया है, और इसके आवेदन 6 मार्च 2018 से स्टार्ट होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा इस डेट से, और लास्ट डेट जो रहेगी वो है 5th ऑफ अप्रैल 2018। इट मीन्स कैंडिडेट कैन अप्लाई टिल 5th ऑफ अप्रैल 2018, एंड फीस डिपोजिशन की लास्ट डेट रहे 6th ऑफ अप्रैल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स, जो इसमें फीस है इस बार बढ़ा दी गई है। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो फीस है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ होगी, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 300 रुपीज़, एंड एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये एजुकेशन फील्ड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है हायर एजुकेशन के लिए नेट, और इसकी एलिजिबिलिटी मास्टर्स डिग्री में जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स है, और ओबीसी एससी एसटी 5% इनके लिए कम कर दिया गया है। अब इनके लिए 50% मार्क्स इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर 50% मार्क्स हैं मास्टर्स डिग्री में किसी के तो, और वो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी का है, तो वो अप्लाई कर सकता है इस परीक्षा के लिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि फ्रेंड्स, इस बार आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। विदाउट आधार कार्ड योर एप्लीकेशन विल नॉट बी सबमिटेड, इट इज मैंडेटोरी एज वेल एज फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। पेपर में उपस्थित होने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको इसकी आवश्यकता होगी आधार कार्ड की। और इसका एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है, देयर विल बी 2 पेपर्स इंस्टीड ऑफ 3। जैसा कि पहले के वर्षों में 3 पेपर होते थे, अब सिर्फ 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 विल बी कैरी 50 क्वेश्चन एंड पेपर 2 विल बी कैरी 100 क्वेश्चन। पेपर 1 जो होगा उसके में 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, और कोई चॉइस नहीं होगी। जैसा कि पहले होता था, 60 क्वेश्चन में से 50 अटेम्प्ट करने होते थे और 10 आपको नहीं करना होता था, लेकिन अब आपको पूरे 50 ही आएंगे और 50 ही करने होंगे, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 आवर का रहेगा, ओनली 1 आवर, और टाइमिंग विल बी 9:30 to 10:30, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और जो पेपर 2 होगा वो उसमें 100 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, क्योंकि पेपर 2 को 2 एंड 3 एक ही मर्ज होकर के पेपर 2 सिर्फ रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और इस पेपर में भी 2 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसकी टाइमिंग 2 आवर की रहेगी। ये एग्जाम होगा 11 AM to 1 PM। और फ्रेंड्स, गुड मैसेज ये है कि इसमें सीबीएसई इस बार भी पहले की तरह कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ नहीं है, आप विदाउट एनी फियर आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक और सबसे जो इस बार का पॉजिटिव थिंग्स देखने को आई है, जो कैंडिडेट जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि 2 इयर्स एज लिमिट बढ़ा दी गई है। जो सिर्फ 28 इयर्स थी, 28 वर्ष थी कि जेआरएफ के लिए, जो 28 वर्ष तक के ही मैक्सिमम एज वाले लोग अप्लाई कर सकते थे, इस बार वो 30 इयर्स कर दी गई है, तो उनके लिए एक और आशा की किरण है। इन दिस वे आई ट्राई टू गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजीसी नेट इज गोइंग ऑन 8 जुलाई 2018। मैंने पूरा प्रयास किया आपको पूरी जानकारी देने का अपने इस वीडियो में, जो ये आगामी नेट की परीक्षा होने जा रही है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो आए आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए. थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉचिंग दिस वीडियो.